नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, मेरे पास फ़ोन आए कि सर आप अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको एग्रोनॉमी के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको नियमित रूप से एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सोइल साइंस, या फिर हम बात करें उधर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ के क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको रेगुलरली यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आज हम लोग एग्रोनॉमी के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो AFO की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो ADA की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए हम लोगों ने सेपरेट बैच स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग अपनी तैयारी पूरी पहले से कर चुके हैं, जिन्हें सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर कोशिश की है कि मैं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस करवा सकूं। तो साथियों, जिनको और आगे तैयारी करना है, वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। और जिन लोगों को रिवीजन करना है, वो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे आज के पहले 10 क्वेश्चन की। मैं यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो कि एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इन्फ्लोरसेंस ऑफ द राइस। इन्फ्लोरसेंस ऑफ द राइस, यानी कि जो धान होता है, चावल का पौधा, उसके पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आना चाहिए कि जो इन्फ्लोरसेंस ऑफ द राइस, यानी कि जो धान का पुष्प क्रम होता है, उसको पेनिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर धान के पुष्प क्रम को, या इन्फ्लोरसेंस ऑफ द पेडी प्लांट इज नोन एज पेनिकल, तो यहाँ हमारा आंसर पेनिकल होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे द कलर ऑफ द डी हल्ड राइस। डी हल्ड राइस का मतलब होता है राइस में से जब हलिंग की प्रोसेस हो जाती है, हलिंग मतलब रिमूवल ऑफ द हस्क, यानी कि धान के पौधे से उसका उसके बीजों के चारों ओर से छिलके को हम लोग निकाल देते हैं। धान के बीज के चारों ओर का जो छिलका होता है, उसको हस्क कहते हैं, उसको हल कहते हैं, जो कि लेमा और पेलिया से मिलके बना होता है। आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हल या जो हस्क होता है पेडी प्लांट में, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लेमा और पेलिया। और जब हम बीज के चारों ओर से उस छिलके को हटा देते हैं, उस हल या हस्क को रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम लोग डी हलमिंग कहते हैं। और यहाँ पर डी हल्ड जो राइस है, उसका कलर कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डी हल्ड राइस का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, भूरे रंग का चावल होता है। तो ब्राउन कलर जो होता है, या ब्राउन राइस किसे कहेंगे, हम बोलेंगे द डी हल्ड राइस, या हलिंग करने के पश्चात जो बीज प्राप्त होता है धान का, उसका जो कलर होता है वो ब्राउन, यानी कि भूरा रंग होता है, तो ब्राउन राइस कहेंगे उसको हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, द बोटनिकल नेम ऑफ द इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन ड्वार्फ व्हीट, यानी कि भारतीय बोना गेहूं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन ड्वार्फ व्हीट या भारतीय बोने गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। दोस्तों, इंडियन ड्वार्फ व्हीट भारतीय बोने गेहूं का नाम है टिट्रिकम स्फेरोकोकम। क्या नाम याद रखना है आपको? टिट्रिकम स्फेरोकोकम इसका बोटनिकल नेम होता है। जबकि ओवरऑल हम बात करें कि अभी जो ड्वार्फ व्हीट जिसकी खेती कर रहे हैं, जिसका विकास जो है वो मेक्सिको के अंदर किया गया था, तो मेक्सिकन जो गेहूं होता है, मेक्सिकन व्हीट, उसका अगर बोटनिकल नेम अगर पूछे तो हम बोलेंगे टिट्रिकम एस्टिवम होता है। लेकिन इंडियन ड्वार्फ व्हीट भारतीय बोना गेहूं अगर यहाँ पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है टिट्रिकम स्फेरोकोकम उसका बोटनिकल नेम होगा। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे टिट्रिकेल इज ए क्रॉस ऑफ। टिट्रिकेल दोस्तों, इस टिट्रिकेल को मैन मेड सीरियल या मानव निर्मित अनाज भी कहते हैं, इसको आधुनिक जमाने का अनाज भी कहते हैं। और ये दोस्तों टिट्रिकेल जो होता है, ये दो अलग अलग अनाज वाली फसलें थी, गेहूं और राई, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा करके निकाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि टिट्रिकेल किन किन का क्रॉस है? व्हीट और राई, RYE राई। और दोस्तों, यहाँ पर व्हीट की हम बात करें, गेहूं की बात करें, तो टिट्रिकम जो इसका बोटनिकल नेम होता है, वहाँ से टिट्री लिया गया है। और जो राई है, उसका बोटनिकल नेम है सीकेल सीरियल। तो सीकेल सीरियल जो राई का नाम है, वहाँ से केल शब्द लिया गया है। तो टिट्रिकेल में जो टिट्री शब्द है वो व्हीट यानी गेहूँ के लिए है, और जो केल शब्द है वो सीकेल से लिया गया है। और जो राई होती है, वो भी एक ग्रेमिनी परिवार का पौधा होता है। तो गेहूं और राई के बीच का जो क्रॉस है, उसको हम लोग टिट्रिकेल कहेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, कैनरी ग्रास इज आल्सो नोन एज।
केनेरी घास किसका अन्य नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। केनेरी घास एक्चुअल में गेहूं का जो वीट होता है, गेहूं का जो खरपतवार होता है, जिसको हम लोग गेहूं सा या गिली डंडा या गेहूं का मामा कहते हैं, जिसका बोटनिकल नेम है फ्लेरिस माइनर। तो गेहूं का जो खरपतवार है गेहूं सा फ्लेरस माइनर, उसी गेहूं सा या फ्लेरस माइनर को केनेरी ग्रास भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केनेरी ग्रास जो है ये गेहूं सा का अन्य नाम है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, एरोविंग इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप? एरोविंग का संबंध कौन सी फसल से है? दोस्तों ARROW एरो, एरो जो शब्द होता है ये शुगर केन के इनफ्लोरसेंस या गन्ने के पुष्पक्रम को हम कहते हैं। और यहाँ पर गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है, शुगर केन का जो इन्फ्लोरसेंस होता है जिसको एरो कहते हैं, उसका इमरजेंस, द इमरजेंस ऑफ द इन्फ्लोरसेंस ऑफ द शुगर केन इज नोन एज एरोविंग। यानी एरो गन्ने का पुष्पक्रम है, एरो के निकलने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। तो ये शुगर केन यानी कि गन्ने से संबंधित होता है और उसके इन्फ्लोरसेंस या पुष्पक्रम के लिए टर्म यूज होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर सोविंग टाइम ऑफ द अर्धशाली शुगर केन, अर्धशाली शुगर केन, अर्धशाली जो गन्ना होता है उसकी बुवाई का समय क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शुगर केन है उसमें अर्धशाली जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि अर्धशाली गन्ना भारत के अंदर स्पेशली तमिलनाडु के अंदर लगाया जाता है। तो अर्धशाली शुगर केन इज मोस्ट पॉपुलर इन तमिलनाडु, पहली चीज। दूसरी बात है, अर्धशाली जो गन्ना होता है उसकी एज 18 मंथ की होती है, 18 महीने की। तो हम कह सकते हैं कि अर्धशाली जो गन्ना है उसकी उम्र 18 महीने की, 18 मंथ की होती है। और इसकी सोइंग का जो टाइम है, बुवाई का जो समय है, वो जुलाई का महीना है। हम कहेंगे द सोइंग टाइम ऑफ द अर्धशाली शुगर केन इज जून जुलाई, जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। और भारत के अंदर सबसे अधिक खेती अर्धशाली गन्ने की जो होती है तमिलनाडु में होती है, और इसीलिए तमिलनाडु में गन्ने की उत्पादकता भी सबसे ज्यादा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द शुगर केन इज हाइएस्ट इन द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में गन्ने की उत्पादकता सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर अर्धशाली शुगर केन लगाया जाता है, और अर्धशाली शुगर केन जो होता है इसको परिपक्व होने के लिए 18 मंथ, 18 महीने का समय चाहिए होता है। और यहाँ पर अगर क्रॉप को मेच्योर होने के लिए टाइम अगर ज़्यादा लगा है, फसल को पकने में समय ज़्यादा लगा है, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो पर यूनिट प्रोडक्शन जो होता है वो अगर देखा जाए तो गन्ने का गन्ने की उत्पादकता, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में हाइएस्ट होती, जो कि अर्धशाली शुगर केन की वजह से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस, PS का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ध्वज पर्ण होता है, ध्वज पर्ण यानी कि फ्लैग लीफ, इसका कितना योगदान होता है? दोस्तों हम राइस की बात करें, धान की बात करें, या वीट गेहूं की हम बात करें, इन पौधों में, किसमें, राइस चावल की बात करें, वीट या गेहूं की बात करें, इनमें जो लास्ट वाली पत्ती होती है, अंतिम पत्ती जो कि इन्फ्लोरेंसेस से ऊपर निकल जाती है, उस अंतिम पत्ती को, लास्ट लीफ को हम लोग फ्लैग लीफ या ध्वज पर्ण कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर, हालांकि पूरे पौधे में सारी जितनी भी पत्तियां हैं सब में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन मोर देन 50%, 50% से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है वो फ्लैग लीफ के द्वारा किया जाता है। लगभग 54% के आसपास, या 50-60% के बीच में आपको आंकड़ा याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% या 50% से भी ज़्यादा योगदान प्रकाश संश्लेषण के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर किसका होता है? फ्लैग लीफ का होता है। और आपको ध्यान रखना है कि फ्लैग लीफ जो होती है वो पेडी के प्लांट में, या व्हीट यानी धान या गेहूं के पौधे से संबंधित होती है, और ये लास्ट लीफ आखिरी पत्ती होती है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टी जेड टेस्ट जो होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट। और दोस्तों टी जेड टेस्ट जो होता है वो सीड की वाइबिलिटी के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टी जेड टेस्ट इज रिलेटेड विथ, या टी जेड टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वो बीज की जीवन क्षमता पता करने के लिए होता है। तो फॉर फाइंड आउट दी वाइबिलिटी ऑफ द सीड, टी जेड टेस्ट इज कैरिड आउट। हम कह सकते हैं कि टी जेड टेस्ट बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन यहां पर, सोइल एसिडिटी का मतलब होता है कि अगर मिट्टी के अंदर उसका पीएच कम हो गया है, सोइल का पीएच 7 से भी कम हो जाता है, जब मिट्टी का पीएच 7 से कम हो जाता है उसको हम लोग एसिडिक सोइल या अम्लीय मिट्टी कहते हैं। और एसिडिक सोइल का रिक्लेमेशन करने के लिए, यानी कि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए, चूना या लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक सोइल का रिक्लेमेशन, अम्लीय मिट्टी का सुधार लाइम या चूना डालकर किया जाता है। और एक बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लाइम इन द सोइल, यानी कि अगर हम मिट्टी में चूना डाल देते हैं तो
तो उसका परिणाम क्या होगा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मिट्टी में जब भी चूना डालेंगे मिट्टी का पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है। तो फॉर इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सोइल या मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए या रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सोइल लाइम या चूने का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ये आज के पहले 10 क्वेश्चन थे। अब अगले जो 10 क्वेश्चन यानी कि 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, जो लोग एग्रीकल्चर की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और अभी आगे भी करूँगा, ये आपकी एग्जाम की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनको रिविजन की आवश्यकता है, नो डाउट आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। साथियों यहाँ पर हमारा जो अगले क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर 11th यानी कि जो 11वां क्वेश्चन है हमारा वो है कोहिजन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो कोहिजन फोर्स होता है जिसको हम लोग ससंजन बल कहते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होता है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि द फोर्स फाउंड बिटवीन दी सेम काइंड ऑफ द मोलिक्यूल, यानी कि एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो बल आकर्षण के लिए अट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है उसको हम लोग कोहिजन फोर्स या ससंजन बल कह सकते हैं। जैसे कि जल और जल के बीच में, वाटर के दो मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कोहिजन फोर्स या ससंजन बल रहेगा, या मिट्टी के बीच में यानी कि दो अलग अलग पार्टिकल है सोइल के, तो मिट्टी के जो दो कण है वो दोनों चूंकि सेम है, वो दोनों मिट्टी के कण है, तो जो सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल होते हैं एक समान जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग कोहिजन फोर्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो कोहिजन फोर्स होता है या जो ससंजन बल होता है वो समान अणुओं के बीच या बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल वहां पर पाया जाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हमारा, पोर्ट बोरर इज द इंसेक्ट इज फाउंड। दोस्तों पोर्ट बोरर, ये जो पोर्ट बोरर जिसको हम हिंदी में फली भेदक कहते हैं, फली भेदक कीट जो होता है पोर्ट बोरर, वो चिकपी यानी कि चने के अंदर, साइसर एरिटिनम जिसका बोटनिकल नेम होता है, तो चने के अंदर फली भेदक कीट पाया जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्ट बोरर ऑफ द ग्राम, पोर्ट बोरर ऑफ द चिकपी, चने के अंदर जो फली भेदक कीट होता है वही कॉटन के अंदर, कपास के अंदर अमेरिकन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिकन बोलवर्म है ऑफ द कॉटन, कपास का जो अमेरिकन सुंडी है वही चने के अंदर पोर्ट बोरर के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, सनफ्लावर प्लांट इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर, यानी कि जो सनफ्लावर सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो किसके लिए सूचक पौधा होता है, सनफ्लावर सूर्यमुखी कौन से तत्व के लिए इंडिकेटर प्लांट होता है। आपको ध्यान रखना है सनफ्लावर इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर दी बोरोन, तो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो बोरोन जो कि माइक्रो एलिमेंट है, जो कि सूक्ष्म तत्व है, उसके लिए सूचक पौधे का काम करता है। फिर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीलिंटिंग केमिकल, नेम ऑफ द डीलिंटिंग केमिकल, ऐसा केमिकल ऐसा रसायन जो डीलिंटिंग के लिए काम आता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डीलिंटिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों डीलिंटिंग में DENA होता है सेपरेट कर देना, रिमूव कर देना, और लिंट एने होता है फाइबर, तो कॉटन कपास के बीज के चारों ओर जो फाइबर लगे होते हैं, जो लिंट लगे होते हैं, तो कॉटन के बीज या कॉटन के सीड से फाइबर को जब हम हटाते हैं, रेशे को हटाना कहाँ से, कपास के बीज के चारों ओर से, रिमूवल ऑफ दी फाइबर फ्रॉम दी कॉटन सीड इज नोन एज डीलिंटिंग। तो डीलिंटिंग जो प्रोसेस दोस्तों ये कपास के अंदर की जाती है, डीलिंटिंग को हिंदी में वितंतुकीकरण कहा जाता है, तो डीलिंटिंग को हिंदी में वितंतुकीकरण कहते हैं। यह कॉटन यानी कि कपास के सीड, कपास के बीज में किया जाता है, और इसके लिए जो केमिकल है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डीलिंटिंग कॉटन में की जाती है और केमिकल का नाम है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉलवर्म इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप, बॉलवर्म, देखिए दोस्तों बॉलवर्म का संबंध कौन सी फसल से है, ये हमारा क्वेश्चन है। बॉल जो होता है ये कॉटन, कपास के फल, कपास में जहाँ पर सीड डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉल, और वर्म जो है वो एक इंसेक्ट, एक कीट का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि बॉलवर्म इज एन इंसेक्ट ऑफ द कॉटन, ये कपास का एक कीट है। और बॉलवर्म एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान रखना है, बॉलवर्म इज सीरियस मेजर पेस्ट ऑफ द कॉटन, कपास का मुख्य कीट होता है ये, और ये तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अमेरिकन बॉलवर्म,
देन पिंक बॉलवर्म, देन स्पॉटेड बॉलवर्म। तो अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी और धब्बेदार सुंडी, इस प्रकार से तीन प्रकार के बॉलवर्म कॉटन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिमेंट्स फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जैसे हम बात करते हैं कि सेल वॉल है यानी कि वो प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, और प्लांट सेल वॉल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो पौधों की कोशिका भित्ति के अंदर या द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज कंटेन दी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एलिमेंट। तो दोस्तों यहां पर कोशिका भित्ति के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तत्व, दो एलिमेंट पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों में भी मेजर कौन है, तो कैल्शियम जो होता है ये मुख्य रूप से सेल वॉल में पाया जाता है। तो यहां पर एक एलिमेंट हम पूछेंगे सेल वॉल के अंदर, तो वो कैल्शियम होगा। और सेल वॉल के अंदर भी कहां पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला जिसको हम लोग हिंदी में मध्य पटलिका कहते हैं, तो सेल वॉल जिसके अंदर तीन परतें, तीन लेयर होती है, जिसमें से मिडिल लेमिला सबसे बाहर की तरफ होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, सबसे बाहर की तरफ जो मिडिल लेमिला होती है मध्य पटलिका, उसी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर आएगा कैल्शियम, सेकंड नंबर पर मैग्नीशियम आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूज ऑफ PMA, PMA का क्या प्रयोग है, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। PMA का पूरा नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या नाम है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। और दोस्तों PMA ये एक मरकरी बेस्ड फंगीसाइड है, यानी कि एक मरकरी यानी कि पारायुक्त कवकनाशी है। तो आपको ध्यान रखना है कि PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट एक फंगीसाइड, एक कवकनाशी होता है, और साथ में ये एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो PMA के दो आपको महत्वपूर्ण उपयोग ध्यान रखना है, एक तो ये फंगीसाइड होता है, कवकनाशी होता है, और दूसरा ये एंटी ट्रांसपेरेंट है, स्टोमेटा क्लोजिंग प्रकार का है ये, यानी कि ये स्टोमेटा को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। तो PMA कवकनाशी भी है, फंगीसाइड भी है, साथ में एंटी ट्रांसपेरेंट या प्रति वाष्पोत्सर्जक भी है। और एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने वाला या वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाला पदार्थ। फिर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायो कंट्रोल ऑफ द प्रिकली पियर। प्रिकली पियर एक वीट, एक खरपतवार है, उसका जैविक नियंत्रण करने वाले कौन से शत्रु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहली चीज तो ये दोस्तों कि प्रिकली पियर का मतलब क्या होता है। प्रिकली पियर का मतलब होता है नागफरी या कैक्टस या ओपनशिया डिलेनाई। तो यहां पर प्रिकली पियर का मतलब होता है कैक्टस या नागफनी, जिसका बोटनिकल नेम ओपनशिया डिलेनाई है, और उसका कंट्रोल करने के लिए बायो एजेंट का जो नाम है वो है दोस्तों डेक्टोलोपियस टोमेंटोसस। क्या बता रहा हूं मैं आपको, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस, और एक और नाम यहां पर कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो यहां पर कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम और डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस ये दो बायो एजेंट है जो कैक्टस या नागफनी या ओपनशिया या फिर प्रिकली पियर का कंट्रोल करने के लिए काम में लाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर सोविंग डेप्थ ऑफ द व्हीट इज डिपेंड ऑन। सोविंग डेप्थ यानी कि जो गेहूं होता है उसकी बुवाई की गहराई, सोइंग डेप्थ मतलब गेहूं को कितनी गहराई में बोना चाहिए, ये कौन से गुण पर निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है। द सोइंग डेप्थ ऑफ द वीट इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कोलियोप्टाइल। गेहूं के अंदर कोलियोप्टाइल की जो लंबाई होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि गेहूं को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि द सोइंग डेप्थ ऑफ द वीट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कोलियोप्टाइल, या जो कोलियोप्टाइल की लंबाई होती है उसके ऊपर गेहूं की बुवाई की गहराई निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर द ओरिजिन प्लेस ऑफ द सोयाबीन। सोयाबीन जो है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। और दोस्तों यहां पर आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड वो है USA यानी कि अमेरिका। तो दुनिया में सबसे अधिक सोयाबीन USA या अमेरिका में उत्पन्न होता है, लेकिन यहां पर ओरिजिन प्लेस पूछा है, उत्पत्ति स्थान पूछा है, तो सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो है चाइना। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओरिजिन सेंटर उत्पत्ति स्थान पूछा है सोयाबीन का तो चाइना आएगा, लेकिन वर्ल्ड में नंबर वन दुनिया में सबसे अधिक सोयाबीन पैदावार करने वाला देश कौन सा कंट्री है, तो प्रोडक्शन में नंबर वन कंट्री कौन है, USA यानी कि अमेरिका, लेकिन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो चाइना है। दोस्तों इस प्रकार से ये एग्रोनॉमी के हमारे अगले 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और अभी 30 क्वेश्चन हमें और डिस्कस करना है। आइए हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी कई प्रकार की एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साथियों हमारे जो अगले 10 क्वेश्चन है उसमें 21वां हमारा क्वेश्चन है,
नेम ऑफ द फर्टिलाइजर सप्लाई थ्री असेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो तीन अनिवार्य तत्वों की पूर्ति करता है। फर्टिलाइजर कंटेनिंग थ्री असेंशियल एलिमेंट, दोस्तों यहां पर हमारा आंसर आना चाहिए SSP, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। SSP जो होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें तीन तत्व होते हैं, कौन कौन से, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। तो यहां पर SSP या सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसको डेन फॉस्फेट या चूना फॉस्फेट या लाइम फॉस्फेट भी हम कहते हैं, तो ये जो SSP होता है इसमें सल्फर होता है 12% सल्फर होता है, देन बात करें फास्फोरस 16% यहाँ पर फास्फोरस होता है, और कैल्शियम होता है 19, यानी कि 19% यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आएगा आंसर आएगा कि ऐसा उर्वरक जिसमें तीन तत्व तो पाए जाते हैं उसका नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रॉप लॉग इन इज रिलेटेड विथ, दोस्तों क्रॉप लॉग इन का संबंध कौन सी फसल से है, और क्रॉप लॉग इन शुगर केन से संबंधित है। दोस्तों यहां पर इसी को कंफ्यूज करने के लिए एक अच्छा टर्म आता है, जिसे यहां पर क्रॉप लॉग इन है ऐसा गन्ने में आता है क्रॉप लॉजिंग। अब क्रॉप लॉजिंग और क्रॉप लॉग इन, इन दोनों का संबंध होता शुगर केन से है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहां पर क्रॉप लॉग इन यानी कि डायग्नोसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन शुगर केन लीव्स, यानी कि गन्ने की पत्तियों में पोषक तत्वों की जांच के लिए क्रॉप लॉग इन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइंटिस्ट HF Clement है, तो आपको क्रॉप लॉग इन टेक्निक साइंटिस्ट का नाम अगर पूछे तो HF Clement है, और ये गन्ने की पत्तियों में पोषक तत्वों की जांच करने की एक विधि है। जबकि क्रॉप लॉजिंग जो होता है फसल का गिर जाना, तो वहां पर फसल जब गिर जाती है तेज हवा चलती है तो उसको लॉजिंग कहते हैं, वो LODGING लॉजिंग है, और ये लॉग इन है, दोनों शुगर केन या गन्ने से संबंधित है। दोस्तों फिर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ द डोलोमाइट, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ द डोलोमाइट, और दोस्तों आपकी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो यहां पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे CaCO3.MgCO3। ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये डोलोमाइट का फार्मूला होता है, और यहां पर डोलोमाइट को ऐसे भी लिखा जा सकता है Ca.Mg और CO3 का होल टू वाइच। तो यहां पर दोस्तों ये CaCO3 और MgCO3, ये जो डोलोमाइट का फार्मूला होता है ये आपको याद रखना है, आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द यूरिया इन विच फॉर्म, यानी कि यूरिया जो एक फर्टिलाइजर है, यूरिया को हम लोगों ने किंग ऑफ फर्टिलाइजर या उर्वरकों का राजा कहा था, उस यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द यूरिया इन विच फॉर्म, दोस्तों आपको ध्यान रखना है यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, तब हम बोलेंगे द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द यूरिया इज इन एमाइड फॉर्म। और यहां पर यूरिया में अगर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है तो हम कह सकते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कार्बनिक उर्वरक होता है, जबकि बाकी जितने दूसरे उर्वरक जो होते हैं वो अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, लेकिन यूरिया जो है एक कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक है, और इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुगर केन बंची टॉप, शुगर केन यानी कि गन्ने के अंदर बंची टॉप एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है। दोस्तों शुगर केन के अंदर जो बंची टॉप होता है, इसी बंची टॉप को हिंदी में शीर्ष गुच्छ भी कहा जाता है, और ये जो बंची टॉप है इसको हम लोग यहां पर डेड हार्ट भी कह सकते हैं, डेड हार्ट भी कहते हैं। तो गन्ने के अंदर बंची टॉप की बात करें या डेड हार्ट की बात करें, अपर जो लीव्स होती है, ऊपर की जो सेंट्रल पत्ती होती है, केंद्रीय पत्ती शीर्ष में, वो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है एक इंसेक्ट के अटैक के कारण। तो यहां पर सेंट्रल लीव्स, केंद्र की जो पत्ती है ऊपर की, वो जब सूख जाती है, जिसको डेड हार्ट भी कहते हैं, बंची टॉप भी कहते हैं, शीर्ष गुच्छ भी हम कह सकते हैं, और गन्ने की हम बात करें तो ये टॉप शूट बोरर एक इंसेक्ट है, एक कीट है, जिसका नाम क्या है, टॉप शूट बोरर या अगोला भेदक नाम का जो कीट होता है, उसकी वजह से गन्ने में बंची टॉप नाम की समस्या, या फिर डेड हार्ट जो है, मृत गोब भी हम इसको कह सकते हैं, वो बनता है। तो ये एक इंसेक्ट या कीट के कारण होता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप, कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप यानी कि कम अवधि की फसल,
किसके बीच में? बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप, दो हमारी फसलें हैं, दो मुख्य हमारी मौसम की फसलें हैं अलग अलग, उन दो फसलों के बीच में, दो अलग अलग मौसम की जो फसलें हैं, एक खरीफ की है एक रबी की है, इन दो सीजन वाली फसलों के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन कम अवधि की फसल हम लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कैच क्रॉप कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैच क्रॉप एक्चुअल में होती क्या है, तो दो मुख्य फसलों के बीच में एक कम अवधि की फसल लगा लेना कैच क्रॉप कहलाता है, जिसको अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। और कैच क्रॉप क्यों लगाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब किसी वजह से हम लोग बुवाई में लेट हो जाते हैं ड्यू टू डिले इन सोइंग, या फिर हमारी मुख्य फसल जब खराब हो जाती है, तो टाइम को रिकवर करने के लिए, एडिशनल खर्चे से बचने के लिए, समय की पूर्ति करने के लिए हम लोग कम उम्र की फसल, छोटी अवधि की फसल लगा देते हैं, जब हमारी फसल खराब हो जाती है या फिर बुवाई में देरी हो जाती है। तो जो अलग अलग जो सीजन है, एक खरीफ है एक रबी है, खरीफ में हम लोग सोयाबीन लगाते हैं, रबी में हम लोग गेहूं लगाते हैं, किसी वजह से सोयाबीन की फसल हमारी अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम फिर वहाँ पर सोयाबीन और गेहूं के बीच में एक छोटी फसल लगा देते हैं, कम अवधि की फसल लगा देते हैं, उसको कैच क्रॉप कहा जाता है। और ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम यानी कि मूंग और उड़द इसके बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें BGA इज आल्सो नोन एज, दोस्तों BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। तो नीली हरी शैवाल जो कि एक बायो फर्टिलाइजर या एक जैव उर्वरक होता है पेडी यानी कि धान की फसल के लिए, तो धान की फसल में जो जैव उर्वरक, जो बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है नीली हरी शैवाल, नीली हरी काई, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो BGA इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, या नीली हरी शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, और ये पेडी या धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर का कार्य करती है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो BGA है ये एजोला के साथ में एसोसिएशन के रूप में पाई जाती है, यानी कि BGA और एजोला, एजोला एक जलीय फर्न, एक्वाटिक फर्न होता है, और एजोला की पत्ती के अंदर BGA नाम की एल्गी रहती है, और ये दोनों मिल करके नाइट्रोजन अवेलेबल कराती है पेडी यानी कि धान के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है BGA को हम साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिपल सीजन क्रॉप, क्या क्वेश्चन है? ट्रिपल सीजन क्रॉप यानी कि ऐसी क्रॉप जिसको तीन मौसम में हम लोग लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं, खरीफ में भी लगा सकते हैं, और जायद में भी लगा सकते हैं। तो तीन अलग अलग मौसम में लगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है? हमारा आंसर आ गया पर मेज यानी कि मक्का। और दोस्तों मेज को ट्रिपल सीजन क्रॉप या तीन मौसम में लगाई जाने वाली फसल हम कह सकते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ट्रिपल सीजन क्रॉप पूछा है, तो ट्रिपल सीजन की बात करेंगे तो मेज यानी मक्का आएगा। अगर यहां पर ट्रिपल पर्पस क्रॉप होता, ट्रिपल पर्पस मतलब त्रिकाजी या तीन उद्देश्यों वाली फसल, तो तीन अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अगर एक क्रॉप है जो तीन अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए जानी जाती है, उसका नाम होता है काउपी यानी कि लोबिया। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल पर्पस पूछे, त्रिउद्देशी फसल पूछे, तीन अलग अलग काम, तो काउपी यानी कि लोबिया हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल सीजन क्रॉप, तीन अलग अलग मौसम वाली फसल है, तो हमारा आंसर यहाँ पर मेज यानी मक्का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ द जिप्सम इज हेल्पफुल इन, एप्लीकेशन ऑफ द जिप्सम इज रिकमेंडेड इन विच क्रॉप, कौन सी फसल में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जिप्सम वैसे तो एल्केलाइन या सोडिक सोइल के रिक्लेमेशन में काम आता है, यानी कि जिप्सम जो होता है ये क्षारीय मृदा को सुधारने में काम आता है, जिप्सम जो होता है वो मृदा सुधारक या सोइल रिक्लेमेशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फसल का नाम पूछे कौन सी क्रॉप के अंदर जिप्सम का एप्लीकेशन किया जाता है, दोस्तों जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है, तेल वाली फसलें, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट की हम बात करें, मूंगफली की हम बात करें, मस्टर्ड यानी कि सरसों की बात करें, तो जो ऑयल सीड क्रॉप होती है, इन ऑयल सीड क्रॉप को सल्फर की आवश्यकता होती है। सल्फर जो कि एक ऑयल सीड क्रॉप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तेल वाली फसलों को सल्फर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जिन फसलों को सल्फर की आवश्यकता होती है, तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, उनमें हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको सल्फर की भी पूर्ति कर सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीट प्लस ग्राम प्लस मूंग, सॉरी वीट प्लस ग्राम डैश मूंग यानी कि गेहूं प्लस चना और डैश करके मूंग, इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र की गहनता कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, वीट और ग्राम इन दोनों को प्लस लगा रखा है, यहाँ पर प्लस का मतलब ये होता है कि गेहूं और चने को एक साथ लगा रखा है, एक ही खेत में एक साथ लगा रखा है गेहूं प्लस चना, यानी कि टू डिफरेंट क्रॉप्स,
टुगेदर एट द सेम टाइम इन द सेम फील्ड। अब एक ही खेत में गेहूं और चना है तो ये हमारी फसल कितनी हो गई है, एक एक क्रॉप तो हो गई है गेहूं प्लस चना, क्योंकि प्लस लगा हुआ मतलब ये दोनों मिलकर के एक क्रॉप है। और एक क्रॉप कौन सी हमारी, मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम। तो यहाँ पर दो फसलें हैं, एक का नाम है व्हीट प्लस ग्राम, चूंकि प्लस लगा हुआ है इन दोनों हम लोग एक फसल गिनेंगे, और यहाँ पर डैश के बाद में एक और मूंग, यानी दो फसलें हैं। तो फसलें हमारी कितनी हो गई, दो। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो हमारा बेसिक रूल क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप फसलों की संख्या अपॉन में ड्यूरेशन यानी कि अवधि। तो फसलों की संख्या कितनी है, दो। अवधि कितनी, कितने समय के लिए, दोस्तों व्हीट और ग्राम दोनों प्लस में, चार महीने की फसल है। मूंग जनरली तीन महीने की फसल है, तो चार और तीन यानी कि सात, सात महीने सेवन मंथ यानी कि एक साल से कम समय है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, टू। ड्यूरेशन कितना है, वन ईयर, तो दो बटे एक, दो बटे एक और टू डिवाइडेड बाय वन और इनटू हंड्रेड, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा 200%, चूंकि हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ क्रॉप अपन ड्यूरेशन इनटू हंड्रेड। तो फसलें कितनी यहाँ पर, गेहूं और चना एक फसल क्योंकि प्लस लगा हुआ है यानी कि एक, और एक फसल है मूंग, तो फसलें हो गई ये दो। अवधि कितनी है, एक साल, वन ईयर, तो 2/1 × 100 यानी कि 200% हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के अगले 10 क्वेश्चन के बारे में, और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लोग हो सकता है कि बाद में जिन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट किया हो, या जो लोग अधूरा अगर ये देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको शुरू से सारे क्वेश्चन देखना है, ये आपके सारी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जिन लोगों को शुरू से, जिन लोगों को पूरा कोर्स, चाहे वो IBPS AFO का कोर्स करना चाह रहे हो, चाहे फिर वो ADA SADO REO की तैयारी करने जा रहे हो, MSc इंट्रेंस की तैयारी करने वाले, या ICR या BHU की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को अगर पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट वाइज कंप्लीट शुरू से पढ़ना है, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो हम लोगों ने नई बैच हमारी स्टार्ट कर दी है। और हमारी नई बैच को ज्वाइन करने के लिए पूरा कोर्स ऑनलाइन घर बैठे आपको पूरी तैयारी करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर से एपिकल एग्री अकेडमी का हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आप घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा कोर्स अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के रूप में पूरे सिलेबस को अवेलेबल करवा रखा है। वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पर हैं। डाउट के लिए हम लोग लाइव क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है, जो बिल्कुल फ्रेशर लोग हैं, नए लोग हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम में एग्जाम देना है और तैयारी करने जा रहे हैं, घर बैठे तैयारी करना है, तो आप लोग घर बैठे ही मोबाइल से पूरा कोर्स अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, थोड़ा सा धूल साफ करने की आवश्यकता है, उनके लिए ये रिवीजन पर्याप्त है। आइए हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। साथियों यहाँ पर एग्रोनॉमी के जो अगले 10 क्वेश्चन है हमारे, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है 31st वाला, रेडिकल एंड प्लूमूल आर द डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन या अंकुरण के समय, जब किसी प्लांट के शुरू के दो हिस्से कौन कौन से, रेडिकल, रेडिकल को हिंदी में मूलांकुर कहते हैं और प्लूमूल को हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। तो अंकुरण के समय एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लूमूल बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, सीड के अंदर, बीज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें से इनिशियली दो जो संरचनाएं निकलती है अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के टाइम पे दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक ऊपर आ जाता है जिसे स्टेम यानी कि तना बनता है, तो अपर पोर्ट जो है ऊपर वाला हिस्सा उसको प्लूमूल कहते हैं, लोअर पोर्शन नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो रेडिकल कहलाता है। तो रेडिकल जो दोस्तों ये रूट यानी कि जड़ को विकसित कर देता है, रूट डेवलपमेंट होता है, जबकि प्लूमूल से हम लोग स्टेम या तना निकलता है, और ये दोनों एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, भ्रूण से निकलते हैं अंकुरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द प्लांट डज नॉट शो द फोटो रेस्पिरेशन, ऐसा कौन सा प्लांट, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। दोस्तों फोटो रेस्पिरेशन ये एक प्रकार का हानिकारक प्रक्रम है, हार्मफुल प्रोसेस है, जो कि C3 प्लांट में होती है, और फोटो रेस्पिरेशन C3 पौधों में होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। तो जो भी C4 प्लांट है, फॉर एग्जांपल मेज, मक्का की हम बात करें, शुगर केन गन्ने की हम बात करें, सोरगम ज्वार की हम बात करें, पर्ल मिलेट या बाजरा की हम बात करें, ये जो पौधे दोस्तों, गन्ना मक्का ज्वार बाजरा मेज सोरगम
शुगर केन, पर्ल मिलेट, ये C4 प्लांट है। तो इन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेम द प्लांट डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। तो हमारा आंसर मेज मक्का हो सकता है, शुगर केन गन्ना हो सकता है, सोरगम यानी ज्वार हो सकता है, या पर्ल मिलेट बाजरा, या फिर हम कह सकते हैं C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। ये फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट में होता है, वो भी दोपहर के समय होता है। फिर हम बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज आर पॉपुलर इन विच क्रॉप, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कंपोजिट यानी कि संकुल किस्में और सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित किस्में प्रचलित है। दोस्तों कंपोजिट और सिंथेटिक वैरायटियां सिर्फ और सिर्फ मेज यानी मक्का में ही प्रचलित है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मक्का एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें कंपोजिट और सिंथेटिक दोनों वैरायटियां जो हैं वो प्रचलित है। तो यहां पर हमारा आंसर मेज यानी कि मक्का आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लीजा LEISA लीजा इज रिलेटेड विथ, दोस्तों लीजा जो है इसका संबंध काई से है, और यहां पर आपको लीजा का फुल फार्म भी पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लीजा जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती से संबंधित है। तो एक हमारा आंसर बनेगा लीजा इज रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती से संबंधित होता है। और लीजा का फुल फार्म क्या होता है दोस्तों, हम बोलेंगे L4 लो, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कहा मैंने, एल का मतलब होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये होता है लीजा, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के लिए होता है। फिर हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ द धुरीन इन सोरगम प्लांट इन विच कंडीशन एंड एट विच पार्ट ऑफ द प्लांट, धुरीन जो होता है इस धुरीन को हम लोग HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसिक एसिड भी हम कह सकते हैं। तो जो धुरीन है जिसको HCN भी कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं, ये धुरीन ज्वार के पौधे में कब बनता है और कहाँ बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो धुरीन होता है ये एक प्रकार का टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीला पदार्थ होता है। इस धुरीन की वजह से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगर पशु सोरगम या ज्वार का चारा खा लेता है, अगर उसमें HCN या धुरीन है, तो पशु की मृत्यु हो जाती है। कब बनता है दोस्तों, ड्यूरिंग दी ड्रॉट कंडीशन, सूखा पड़ने के दौरान, ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशन, तनाव के दौरान, जब पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तब पौधे के अंदर धुरीन बनता है। तो पहली कंडीशन, जब ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है तब, और कहाँ, तो धुरीन जो होता है ये रूट के अंदर, जड़ के अंदर इसका निर्माण होता है, जड़ के अंदर इसका संश्लेषण होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, धुरीन के तीन नाम है, धुरीन, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसिक एसिड, और ये धुरीन सूखा पड़ने के दौरान, ड्यूरिंग दी स्ट्रेस और ड्रॉट कंडीशन इन प्लांट, और ये रूट यानी कि जड़ के अंदर बनता है, जबकि ये पत्तियों में पाया जाता है। और रेन या अगर बारिश हो जाती है, रेनफॉल है वहाँ पे, बारिश हो जाती है, तो रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में बारिश होने पर धुरीन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन सूखा पड़ेगा तो धुरीन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोलन वाइबिलिटी इन व्हीट इज रिलेटेड विथ विच एलिमेंट, पोलन वाइबिलिटी पराग कणों के अंदर जो जीवन क्षमता होती है वो कौन से तत्व की वजह से होती है। यहाँ पर फसल के नाम पे उन्होंने व्हीट यानी गेहूं दे रखा है, हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए आपको दूसरी फसल भी दे दे, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट, उस तत्व का नाम क्या है जो पोलन वाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वाइबिलिटी ऑफ दी पोलन ग्रेन्स। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि पराग कणों की वाइबिलिटी के लिए, पोलन वाइबिलिटी के लिए बोरान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अगर बोरान की कमी होती है, बोरान अगर डिफिशियंट है प्लांट के अंदर, तो फिर स्टेरिलिटी आ जाती है, या हम कह सकते हैं पराग कणों में बांझपन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं पोलन जर्मिनेशन या पोलन की वाइबिलिटी या पराग कणों की जीवन क्षमता के लिए बोरान सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर द नेम ऑफ द एलिमेंट एबंडेंट इन द सोइल, मिट्टी के अंदर एबंडेंट एलिमेंट इन द सोइल, मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों यहां पर आपको मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में एबंडेंट एलिमेंट की हम बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है नंबर वन, सेकेंड नंबर पर आता है सिलिकॉन। तो अगर दो तत्व आपको याद करना पड़ जाए तो ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा, एबंडेंट एलिमेंट इन द सोइल नंबर वन ऑक्सीजन, देन सेकेंड नंबर पर आएगा सिलिकॉन, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम आ जाता है, और फोर्थ नंबर पर आयरन आ जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर वन ऑक्सीजन, नंबर टू सिलिकॉन,
थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम और फोर्थ नंबर पे है आयरन। तो इस प्रकार से चार तत्व ध्यान रखना है, सबसे अधिक ऑक्सीजन होगा, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम और उससे कम आयरन। तो एबंडेंट की बात की, नंबर वन तो ऑक्सीजन हमारा आंसर होना चाहिए। फिर हम बात करें डबल सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोहरा सहजीवी संबंध किस बैक्टीरिया के द्वारा, कौन सी प्लांट में होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। सबसे पहले आपको समझना है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दी लेग्यूम प्लांट्स, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, पल्सेस क्रॉप, लेग्यूम प्लांट, वो जो दलहनी पौधे हैं, लेग्यूमिनस ग्रुप के जो प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एज ए सिम्बायोटिक रहता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक के रूप में लेग्यूम के साथ में, दलहनी फसलों के साथ में रहता है। अब वो कौन सा प्लांट जिसमें डबल सिम्बायोटिक, डबल मतलब क्या, रूट में, जड़ में भी राइजोबियम बैक्टीरिया है और उसके स्टेम में भी है, यानी कि जड़ और तना, स्टेम और रूट दोनों जगह राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ऐसा प्लांट कौन सा है। द ओनली प्लांट विच इज नेम इज ढेंचा। जो ढेंचा है दोस्तों, सस्बानिया रोज टाटा, जिसका बोटनिकल नेम है, आपको ध्यान रखना है, ढेंचा की जो प्रजाति है उसका नाम है सस्बानिया रोज टाटा। सस्बानिया रोज टाटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, रूट में अलग होता है, स्टेम में अलग होता है। फिर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कैनोला ग्रुप इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप। कैनोला ग्रुप जो है वो कौन सी फसल से संबंधित है। दोस्तों कैनोला जो समूह है वो मस्टर्ड यानी कि सरसों से संबंधित है। किससे? मस्टर्ड और रेपसीड, सरसों से संबंधित है कैनोला। और यहाँ पर जो कैनोला है ये कनाडा ऑयल सीड एसोसिएशन, कनाडा ऑयल सीड एसोसिएशन यानी कि जो कनाडा देश है वहाँ के लोगों का एक संगठन है। और आपको पता है कि जो सरसों का तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर इरुसिक एसिड पाया जाता है। इरुसिक एसिड एक टॉक्सिक कंपाउंड, एक जहरीला पदार्थ होता है, और ये सरसों के तेल में इरुसिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, सरसों के तेल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जहर वाले पदार्थ को कम करने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है कनाडा का, उसका नाम है कैनोला। तो कैनोला जो ग्रुप है दोस्तों वो मस्टर्ड यानी कि सरसों के लिए होता है। फिर हम बात करें द वैल्यू ऑफ द पी, पी यानी कि फास्फोरस, वैल्यू ऑफ द पी इज कैलकुलेटेड बाय, अगर हमें फास्फोरस की वैल्यू निकालना हो तो हम किस प्रकार से, कौन से फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर हमें पी की वैल्यू निकालना है तो हमें पी की वैल्यू निकालने के लिए पी इज इक्वल टू पी टू ओ फाइव इंटू 0.43। इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपकी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फास्फोरिक एसिड अगर दे रखा है तो फास्फोरिक एसिड P2O5 में आप 0.43 का इंटू करेंगे तो आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फास्फोरस की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के 40 यानी कि 40 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे अंतिम 10 क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के और हम पढ़ने वाले हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में एग्रोनॉमी का जो हम लोग पार्ट कवर कर रहे हैं उसके अंतिम जो 10 क्वेश्चन है उनका हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है परमानेंट सोइल प्रॉपर्टी। परमानेंट सोइल प्रॉपर्टी यानी कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा है, मिट्टी का वो कौन सा नेचर है, मिट्टी का वो कौन सा गुण है, कौन सी प्रॉपर्टी मिट्टी की जो कभी भी चेंज नहीं होती। तो हम कहेंगे दोस्तों सोइल टेक्सचर या जो मृदा गठन है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो हम कहेंगे सोइल टेक्सचर इज द परमानेंट सोइल प्रॉपर्टी, या मृदा का जो गठन है वो मृदा का स्थायी गुण है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर ब्लाइंड टिलेज इज रिफर्स टू। ब्लाइंड टिलेज क्या होता है? ब्लाइंड टिलेज को हम हिंदी में अंधी गुड़ाई कहते हैं। और ब्लाइंड टिलेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कौन सी फसल में किया जाता है? दोस्तों ब्लाइंड टिलेज या अंधी गुड़ाई शुगर केन यानी कि गन्ने में किया जाता है। होता क्या है, हम बोलेंगे द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द सोइल, कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द क्रॉप आफ्टर द सोइंग बट बिफोर द जर्मिनेशन, यानी कि जब हम किसी फसल के साथ किसी खेत में बुआई के बाद और अंकुरण के पहले, बुआई के बाद और फसल के उगने के पहले अगर कृषि क्रिया कर रहे हैं वीट कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए, तो उसको ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। और ब्लाइंड टिलेज अंधी गुड़ाई स्पेशली शुगर केन में ही की जाती है क्योंकि वहाँ पर शुगर केन गन्ने की प्लांटिंग करने के बाद
बहुत दिनों के बाद जर्मिनेशन होता है, अंकुरण बहुत दिनों के बाद होता है, तो वहां पर गन्ने की बुआई के पश्चात अंकुरण में समय लगता है, उसके पहले वहां पर वीड यानी कि खरपतवार आ जाते हैं, तो वहां पर बुआई के बाद और अंकुरण के पहले आफ्टर द सोइंग बट बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप ब्लाइंड टिलेज जो है वो किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ द केमिकल टिलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल टिलेज, टिलेज तो हम लोगों ने पढ़ा है, टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण, खेत को तैयार करना। टिलेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज, लेकिन यहां पर दिया है केमिकल टिलेज, रासायनिक भू परिष्करण क्या होता है। दोस्तों रासायनिक भू परिष्करण मतलब होता है इन केस ऑफ जीरो टिलेज, जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण करते हैं हम लोग, तो जीरो टिलेज वाली कंडीशन में वीड प्रॉब्लम, खरपतवार की समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि टिलेज ऑपरेशन करने से खरपतवार यानी वीड का कंट्रोल हो जाता है, लेकिन हम जब जीरो टिलेज करते हैं, शून्य भू परिष्करण यानी कि कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ खेत में नहीं करते हैं, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ कृषि क्रियाएं खेत में नहीं करेंगे तो खरपतवार की समस्या बढ़ जाएगी, वीड इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगा, तब हमें नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड अवर्णात्मक शाकनाशी पेराक्वाट का इस्तेमाल करके वीड का कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जीरो टिलेज में वीड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खरपतवार की समस्याएं शून्य भू परिष्करण में ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका नियंत्रण करने के लिए हम लोग नॉन सेलेक्टिव यानी कि अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या नाम, पेराक्वाट का इस्तेमाल करते हैं, तब उसको केमिकल टिलेज कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल ऑफ द वीट विद द हेल्प ऑफ द नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, खरपतवार का नियंत्रण अवर्णात्मक शाकनाशी से कर रहे हैं, टिलेज यानी कि भू परिष्करण नहीं कर रहे तो उसको केमिकल टिलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द ट्रू डेंसिटी ऑफ द सोइल, ट्रू डेंसिटी यानी कि मिट्टी का वास्तविक घनत्व कितना होता है और किसे कहते हैं। दोस्तों ट्रू डेंसिटी, सत्य घनत्व को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व, तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, जो कण घनत्व होता है मिट्टी का, उसी को रियल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी या वास्तविक घनत्व कह सकते हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी को हम कण घनत्व भी कहेंगे, ट्रू डेंसिटी भी कहेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 2.65, 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रियल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी या वास्तविक घनत्व या कण घनत्व का मान होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे इन मेज द इमर्जेंस ऑफ द मेल फ्लावर इज नोन एज, मेज मक्का के अंदर इमर्जेंस ऑफ द मेल फ्लावर, नर पुष्प जब मक्का में निकलता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मेज या मक्का के मेल फ्लावर नर पुष्प को हम लोग टेसल कहते हैं, और टेसल का इमरजेंस होना, टेसल का निकलना टेसलिंग कहलाता है। और हम बात करें कि मक्का के पौधे में मक्का चूंकि एक मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पे मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं, पौधा एक ही है, शाखाएं अलग अलग है, वहां पर एक शाखा पे नर पुष्प आ रहा है, दूसरी पे मादा पुष्प आ रहा है, तो मक्का के प्लांट में, मक्का के पौधे में मेल फ्लावर पहले आ जाता है। इमर्जेंस ऑफ द मेल फ्लावर इज फर्स्ट, या हम कह सकते हैं कि नर पुष्प मादा पुष्प से पहले आ जाता है, तो उस मेल फ्लावर की जब इमर्जेंस पहले होती है उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्री कंडीशन। तो मक्का के अंदर प्रोटो एंड्री कंडीशन होता है जिसमें मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाता है, और टेसल उसको हम कह सकते हैं। तो मक्का में टेसल का निकलना, मेल फ्लावर का निकलना टेसलिंग कहलाता है, और कंडीशन होती है प्रोटो एंड्री कंडीशन जिसमें मेल फ्लावर पहले निकल आता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नॉन सेलेक्टिव एंड सिस्टेमिक हर्बिसाइड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हर्बिसाइड का यानी कि शाकनाशी का नाम बताना है आपको, जो नॉन सेलेक्टिव तो हो ही हो, साथ में सिस्टेमिक नेचर का भी हो। दोस्तों वैसे अगर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की हम बात करें अवर्णात्मक शाकनाशी की, तो तीन एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, पेराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। पेराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट, ये तो हुए नॉन सेलेक्टिव, लेकिन कंडीशन क्या है साथ में, सिस्टेमिक भी होना चाहिए। तो इन तीन में से पेराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट, इन तीन में से ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो नॉन सेलेक्टिव तो है, साथ में सिस्टेमिक नेचर का भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइफोसेट जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव में सिस्टेमिक नेचर का होता है, अवर्णात्मक और स्थानांतरित शाकनाशी होता है, जबकि पेराक्वाट और जो डाइक्वाट होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव और कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन सेलेक्टिव में पेराक्वाट और डाइक्वाट जो है वो कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं, जबकि जो ग्लाइफोसेट होता है वो नॉन सेलेक्टिव में सिस्टेमिक नेचर का हर्बिसाइड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों द बोटनिकल नेम ऑफ द फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न जो मक्का है उसका एक टाइप है फ्लिंट कॉर्न, उसका वनस्पतिक नाम क्या है।
दोस्तों इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो मक्का लगाई जाती है उसको हम लोग फ्लिंट कॉर्न कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लिंट कॉर्न मेज इज मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे अधिक खेती फ्लिंट कॉर्न की होती है। इसका जो बोटनिकल नेम है वो है जिया मेज इंडूराटा। क्या नाम है? जी मेज इंडूराटा। और जो जी मेज इंडूराटा है दोस्तों, ये हमारे भारत के अंदर सबसे अधिक उगाई जाती है और इसी को फ्लिंट कॉर्न कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे सोइल सिकनेस काज बाय विच क्रॉप। सोइल सिकनेस यानी कि ऐसी फसल जो मिट्टी को कमजोर बना देती है, ऐसी फसल जो मिट्टी को बंजर, मिट्टी को बांझ बना देती है, ऐसी फसल जो मिट्टी को अनउर्वर बना देती है। सोइल काजेज दी सोइल अनफर्टिलिटी, सोइल अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो ऐसी फसल को हम लोग एग्जॉस्टिव क्रॉप भी कहते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप का एग्जाम्पल है सोरगम यानी कि ज्वार, लिंसिड यानी कि अलसी। तो सोरगम और अलसी यानी कि ज्वार और अलसी को हम लोग सोइल सिकनेस क्रॉप या एग्जॉस्टिव क्रॉप कह सकते हैं। और अगर हम खेत में बार बार ज्वार लगाएंगे, सोरगम को लगाएंगे, तो हमारा खेत जो है वो धीरे धीरे अनउत्पादक या अनफर्टाइल हो जाएगा, तो मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी। फिर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फिंगर लीफ डिसीज ऑफ द कॉटन इज ड्यू टू द रेसिडुअल नेचर ऑफ विच केमिकल। कपास के अंदर कौन से केमिकल की वजह से, कपास के अंदर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से उसकी पत्तियां फिंगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है। दोस्तों द रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ द 2,4-D, 2,4-D की वजह से कपास की पत्तियां उंगली नुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ का बन जाता है, पत्तियां कपास की जो फिंगर लाइक उंगली नुमा संरचना में बदल जाती है, वो 2,4-D के अवशेष प्रभाव के कारण होती है। तो हम कह सकते हैं द रेसिड्यूअल इफेक्ट या अवशेष प्रभाव किसका, 2,4-D का। और कपास जो होता है वो 2,4-D के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। कॉटन इज दी हाईली सेंसिटिव फॉर दी 2,4-D। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि 2,4-D के कारण ही कपास की पत्तियाँ फिंगर लाइक या उंगली समान संरचनाओं में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ब्लैक सोइल इज कम्स अंडर दी ऑर्डर। ब्लैक सोइल काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सोइल कपास की काली मिट्टी कौन से गण, कौन से ऑर्डर में आती है? दोस्तों ब्लैक सोइल की हम बात करें जिसमें भीगने पर फूलने का और सूखने पर दरार पड़ने का यानी कि स्वेलिंग और क्रैकिंग जिसका नेचर होता है, जो गीली होने पर वेट कंडीशन में स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, और सूखने पर उसमें क्रैक्स यानी कि दरारें आ जाती है, इस प्रकार की जो काली मिट्टी होती है वो वर्टिसोल ऑर्डर में आती है। तो काली मिट्टी ब्लैक सोइल को हम लोग वर्टिसोल ऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए कि ब्लैक सोइल इज कम्स अंडर दी ऑर्डर वर्टिसोल। दोस्तों ये इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको जेनेटिक्स के, यस आप समझिए दोस्तों, मैं अगला जो हमारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं अब जेनेटिक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। और मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट हमारी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट के मैं सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग जो है वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। और हर डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन में एक साथ अवेलेबल करवा रहा हूँ। आज हम लोगों ने एग्रोनॉमी को कंप्लीट किया है, और ऐसा नहीं कि एग्रोनॉमी हम इसके बाद पढ़ने वाले नहीं है। जब एक बार सारे डिपार्टमेंट में कवर कर लूँगा देन सेकेंड जो पार्ट होगा एग्रोनॉमी का वो मैं वापस से लेकर के आने वाला हूँ। और अब यहाँ पर मैं पूरी ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस जारी रखूँ। तो मैं समय समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट की वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। नेक्स्ट यानी कि जो अगला हमारा वीडियो आएगा दोस्तों वो जेनेटिक्स के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, हम अगली प्रैक्टिस जेनेटिक्स के ऊपर करने वाले हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एपिकल एग्री अकेडमी का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आपको दबाना है। हमारा जितना भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। और जिन लोगों को शुरुआत से जीरो लेवल से, बॉटम लेवल से पूरे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की तैयारी करना है, उनके लिए नई बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो हमारे मोबाइल नंबर दे रखे इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।